आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू वीके स्टडी प्लेटफॉर्म। तो वीके स्टडी प्लेटफॉर्म वर्ड जीके एमसीक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एसएससी सीजीएल एमटीएस सीजीएल सीएचएसएल एनटीपीसी यूपीएससी आईएसपीसीएस ऑल एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके सेक्शन के थ्रू रात को 9 बजे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जीके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर जीके एमसीक्यू। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, G15 का पहला शिखर सम्मेलन किस देश में 1990 में हुआ था? जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया। तो इसमें ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, मलेशिया। G15 का पहला शिखर सम्मेलन जो है 1990 में मलेशिया में हुआ था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखने, मलेशिया में हुआ था। दूसरा प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, दूसरा प्रश्न है, गुप्त शासकों ने इनमें से किसका निर्माण कराया था? कुतुब मीनार, लाल किला, अजंता की गुफाओं, सूची का स्तंभ। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें ऑप्शन आपका 3 सही हो जाएगा, अजंता की गुफाओं। गुप्त शासकों ने इनमें से जो है अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कब कराया था इसके बारे में जान लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव में दिया गया, तो डिस्क्रिप्टिव है इसका, अजंता की गुफाओं, गुप्त शासकों ने ही अजंता की गुफाओं का निर्माण कराया था। ये गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। अजंता में 29 गुफलाओं का एक झुंड बौद्ध वास्तुकला, गुफा चित्रकला और शिल्प चित्रकला उत्कृष्ट उदाहरणों में एक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारी डिस्कशन आपको याद रखने। सो नेक्स्ट प्रश्न देते हैं, तीसरा प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनमें से किस क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए कालिंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? खेल क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, सामाजिक सुधार क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा, विज्ञान क्षेत्र में। इनमें से विज्ञान क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए कालिंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्यों किया जाता है इसके बारे में जान लेते हैं। विज्ञान क्षेत्र में बेहतर योगदान के लिए कालिंग पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ऐसा काम जो आप लोगों के समझ में विज्ञान को आसान कर सके, विज्ञान संचार का अंतर्गत कहलाता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो सुझाव और समझ की विज्ञान की होती है वो एकदम आसान होनी चाहिए। इसके अंतर्गत जो है आपको विज्ञान के क्षेत्र में बेहतर योगदान के कालिंग पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। तो याद रखने, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं, चौथा प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्राचीन भारत के किस महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा था? सीवी रमण, विक्रमा साराभाई, आर्यभट्ट, गैलीलियो गैलीली। तो इसमें ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें ऑप्शन आपका तीसरा सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। प्राचीन भारत के आर्यभट्ट महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ सूर्य सिद्धांत नाग ग्रंथ लिखा था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में जान लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव दिया गया, प्राचीन भारत में आर्यभट्ट ने महान ज्योतिषविद और गणितज्ञ ने सूर्य सिद्धांत नाग ग्रंथ लिखा था। आर्यभट्ट भारत ही नहीं बल्कि प्राचीन विश्व के एक महान वैज्ञानिक और गणितज्ञ भी थे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्राचीन भारत के गणितज्ञ और जो है ज्योतिषविद भी थे। तो याद रखने, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं, इनमें से किस फील्ड में भूकंप का अध्ययन किया जाता है? एस्ट्रोलॉजी, मस्ट्रोलॉजी, गस्ट्रोलॉजी, सिस्मोलॉजी। तो इसमें ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी फील्ड में जो है भूकंप का अध्ययन किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखने, इसका डिस्क्रिप्टिव में दिया है कुछ। सिस्मोलॉजी फील्ड में भूकंप का अध्ययन किया जाता है, इसमें पृथ्वी के माध्यम से अन्य ग्रह जैसे निकायों के माध्यम से लोचक धार तरंगों का प्रसार है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखने, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 12वां प्रश्न है, जुलाई को किस वर्ष राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना हुई थी? 1976, 1978, 1980, 1982। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसमें ऑप्शन आपका 4 से मिल जाएगा, 1982 में हुई थी। 12 जुलाई 1982 राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना जो है हुई थी।
1982 में इम्पोर्टेंट है। इसका डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव एन अवार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट भारत में एक एक्सपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था। तो याद रखना है 1982 में ये नाबार्ड बैंक जो है स्थापना की गई थी 1982 में। नेक्स्ट में देखते हैं, सातवां प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है। परांश्रव्य तरंगों की सहायता से कौन सा जीव रात में सुरक्षित भ्रमण करता है? हाथी, शेर, बाघ, चमगादड़। तो ऑप्शन आपका चार सही हो जाएगा, चमगादड़। परांश्रव्य तरंगों की सहायता से जो है चमगादड़ जीव रात में भी सुरक्षित भ्रमण कर सकता है। तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। इसका डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव है, चमगादड़ परांश्रव्य तरंगों की सहायता से जीव रात में सुरक्षित भ्रमण करता है क्योंकि यह रात में देख सकता है। वे एकमात्र स्तनधारी है जो सच्ची और निरंतर उड़ान में सक्षम है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आप याद रखने हैं। नेक्स्ट में देते हैं, आठवां प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी पर सूर्य उदय हमेशा पूर्व से ही क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, क्योंकि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, क्योंकि पृथ्वी उत्तर से पूर्व की ओर घूमता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से दक्षिण की ओर घूमता है। तो इसमें ऑप्शन आपका वन सी हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है इसलिए सूर्योदय हमेशा पूर्व से होता है। तो याद रखना इम्पोर्टेंट है। इसका डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव में, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, पृथ्वी पर सूर्य उदय हमेशा पूर्व से इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, पृथ्वी के परिक्रमण के दौरान इसके धुरी में झुका होता है। तो याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नौवां प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कप्तान जेम्स कूक ने पहला यूरोपीय संपर्क स्थापित करते हुए किस महाद्वीप की खोज की थी? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, चीन। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें ऑप्शन दो से हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। कप्तान जेम्स कूक ने पहला यूरोपीय संपर्क स्थापित करते हुए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज की थी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लें। डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव में कुछ खास दिए हैं, ऑस्ट्रेलिया जो कि सरकारी तौर पर ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल दक्षिणी गोलार्ध के महाद्वीप के अंतर्गत एक देश है जो दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। इसकी खोज कप्तान जेम्स कुक ने पहले यूरोपीय संपर्क स्थापित करते हुए किया था। तो याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें ऑप्शन आपका जो है, आपका ऑप्शन इसमें दो से तीन जगह, तो याद रखने। नेक्स्ट प्रश्न देते हैं, दसवां प्रश्न है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला किस देश का एक्स रे उपग्रह स्ट्रो डी है? चीन, ऑस्ट्रिया, जापान, अफ्रीका। तो इसमें ऑप्शन तीन से जगह, जापान। ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापान देश का एक्स रे उपग्रह स्ट्रो डी है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखने, ऑप्शन तीसरा सही। डिस्क्रिप्टिव दिया है, ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापान का एक्सरे उपग्रह एस्ट्रो टी है, याद रखने। चौदहवां प्रश्न देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का कौन सा पड़ोसी देश सबसे छोटा है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ऑप्शन आपका चार सी हो जाएगा, मालदीव। निम्नलिखित में से जनसंख्या के मामले में भारत का जो है मालदीव पड़ोसी देश सबसे छोटा है, याद रखने, ऑप्शन चार सही है। नेक्स्ट में देखते हैं, बारहवां प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है। किस देश में अंतर सरकारी संगठन द इंटरनेशनल ब्यूरो वेट्स एंड मेजर्स का मुख्यालय है? फ्रांस, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया। इसमें ऑप्शन आपका वन सी हो जाएगा, फ्रांस। फ्रांस देश में अंतर सरकारी संगठन द इंटरनेशनल ब्यूरो वेट्स एंड मेजर्स का मुख्यालय है। तो याद रखना है, ऑप्शन वन सही है। सो थैंक यू एवरीवन, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस करें। द वीके स्टडी प्लेटफॉर्म लाइक करें, शेयर करें एंड फ्रेंड्स को इनवाइट करें। वीके स्टडी प्लेटफॉर्म लाइक करें एंड जीके सेक्शन के क्वेश्चन रात को 9 बजे डेली आपको मिलते रहते हैं। SSC CGL, MTS CHL, NTPC, UPSC, IAS एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सेफ, थैंक यू।